गाइस जल्दी जल्दी चलता हूँ, आज कुछ भी हो जाए मैं ना टोनी स्टार्क के स्कूल से कम 3 से 4 सूट तो चुरा लूँगा। मैंने सुना है टोनी स्टार्क ने एक बहुत ही कमाल का स्कूल खोला है, लेकिन वो स्कूल मैंने आज तक देखा नहीं, इसलिए मैं छुप छाप के यहाँ पे देखता हूँ। अरे बाप रे, ये स्टार्क कर क्या रहा है? अरे ये कहीं पर जा रहा है गाइस। तो चलो जल्दी जल्दी अपने स्कूल जाता हूँ, देखता हूँ स्टूडेंट्स आए या नहीं आज। साथ साथ में आज तो बहुत खतरनाक रिवॉर्ड भी देना है उनको, जो स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको मिलेगा हल्क बस्टर और आयरन मैन का जायंट सूट। अरे गाइस वो स्टार्क क्या बोल रहा था और इसका स्कूल गुफा के अंदर कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गाइस एक काम करो, आप लोग जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस मिस्ट्री को हम ब्रेक कर देंगे आज। इस गुफा के अंदर ऐसा क्या है? एक मिनट, मैं गुफा के अंदर से शायद यहाँ कैसे आ गया? अरे बाप रे, यहाँ तो ये ग्रीन हल्कबस्टर का सूट और साथ साथ में आयरन मैन का एक और सूट है, ये तो बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। फ्रैंकलिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे भाई असल में मैं तो कुछ नहीं, वो तेरा स्कूल देखने आया था, प्लीज़ मुझे भी अपने स्कूल में ज्वाइन करा ले यार, मुझे सूट चाहिए। लेकिन ये तो बेस्ट स्टूडेंट ही ले सकता है सूट को, उसके लिए वीडियो को लाइक करवाना और चैनल को सब्सक्राइब करवाना जरूरी होता है। अरे मेरे दोस्तों ने ऑलरेडी भी लाइक कर दिया है, जिसने नहीं किया प्लीज़ कर दो गाइज। तो यहाँ पर देख फ्रैंकलिन, ऑलरेडी 4 स्टूडेंट है, तुझे मिला के 5 हो जाएंगे। तो देख यहाँ पर बहुत खतरनाक मैच होने जा रहा है तुम सब स्टूडेंट्स का, जो भी बेस्ट परफॉर्म करेगा वही जीत पाएगा ये कमाल का हल्क बस्टर और डायमंड वाला सूट। लेकिन परेशानी यह है फ्रैंकलिन के पूरे मेज बैंक पे चारों तरफ इनविजिबल बॉम्ब्स, इनविजिबल विंडमिल, बहुत खतरनाक चीजें लगी पड़ी हैं। हमको फर्क ना पड़ता भैया, हम ऐसी चली जाएंगी। अबे पूरा देख तो लेता उसको, मरेगा तू। अरे फर्क ना पड़ता, बोली ना, हम जीत जाएंगे। गाइस ये बंदा तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, अब देखते हैं ये जीतेगा या हारेगा। अरे जीत के दिखाएंगे, देखो गर्मी के मौसम में रेनकोट पहने हम बहुत कमाल के आदमी हुआ करते हैं। अरे जीत गए। अभी कहाँ पर जीता है बेटा, अभी तो तू आधा भी नहीं गया। अरे कोई बात नहीं है, बस चले जाएंगे, नीचे ही तो पहुंचना है हमको, इतनी बड़ी बात तो नहीं। एक मिनट, हमारी बाइक में आग लग रही है भैया, क्या हो रहा है? अरे बाइक में आग लग रही है, बचाओ हमको कोई। अरे क्या हो रहा है? अगर बिना इन्फॉर्मेशन के भागोगे तो यही होगा ना। अरे बाप रे, हालत खराब हो गई यार, कितना बकवास गेम है, हम कैसे चले आगे की तरफ। गाइस यहाँ पर ये बंदा, और भाई इसकी तो बाइक ही फट गई। अरे मैया जी, अच्छा हुआ कोट पहन गए थे, बच गए रे आग से। ये वो बंदा रेन कोट पहन के आग से बच गया, बहुत बढ़िया। ये भैया हम जीत के दिखाएंगे, देखो ये हेलमेट पहने, हम पूरे इंस्ट्रक्शन लेके जा रहे हैं। ये बंदा कहीं ना कहीं मुझे सही लग रहा है फ्रैंकलिन, हो सकता है जीत जाए। नहीं भाई, जीतना तो मैं ही चाहिए। हम जीतेंगे यार, इसी की बात कर रही हो तू? हमें हमारी कोई इज्जत विज्जत नहीं है क्या? अबे इज्जत विज्जत की बात नहीं है भाई, यहाँ पर मैं भी तो जीतने आया हूँ, तो मैं अपने लिए बोलूंगा ना। अच्छा फिर आप फ्रैंकलिन बिल्कुल पागल आदमी, चोर कहेंगे। बट चोर तुझे कैसे पता मैं चोर हूँ? वैसे कोई नहीं, मैं चोर और नहीं हूँ, इज्जत से स्टूडेंट बनाऊ और देखना इज्जत से जीत के जाऊंगा। अच्छा बुरा, हम जीतेंगे, देखो कैसे निकल रहे हैं आगे को, देख रहे हो हमारी कलाएं, देखो कला मुंडी आ रहा है। बाप रे, आई हालत खराब हो गई, बाप रे बहुत बुरा लगा है हमारा, पैर टूटवा दिया फालतू में। अरे गाइस ये बंदा अभी भी हार नहीं मान रहा है, देखिए अपनी बाइक को वापस से लेके उठ गया ये। तो चैलेंज हमारा ही बचा ले कोई, आप बाबरी कहाँ फेंक दिया हमको। अबे ये बंदा तो पूरी तरह से लुढ़क लुढ़क रहा। अरे हमारी बाइक फट गई बाबा, अब हम कहाँ करें, हम तो हार गए, हम तो आत्महत्या करने के नाम पे आ गए। गाइस यहाँ पे वो बंदा भी हार गया, अब देखते हैं ये वाला बंदा क्या करता है। हम भैया म्यूजिक चला के जाएंगे। अबे म्यूजिक व्यूजिक मत चला, हम तो चलाएंगे म्यूजिक, तुम्हें का मतलब? और वो म्यूजिक होता है म्यूजिक नहीं, तुम्हें का मतलब? म्यूजिक चलाएंगे बच गए। अबे ये बंदा तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, देख रहा है फ्रैंकलिन कैसे चला रहा है अपनी बाइक को। ये बात तो सही कह रहा है, म्यूजिक चलाने का ही तो मजा है, म्यूजिक सुनते सुनते ऐसे भगते चले जाओ, कुछ पता भी नहीं चलता। खतरा तो ऐसे लगता है जैसे कोई छोटी सी गुलाब जामुन हो, उसको खा जाओ और आगे बढ़ जाओ। क्या बात है, कितना बढ़िया भाषण दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी खतरे खत्म नहीं हुए बच्चों, जीत कर नहीं दिखा पाएगा तू। हम जीत कर दिखाएंगे म्यूजिक की कसम। अरे बाप रे, अरे हालत खराब हो गई भैया, ये बाइक बेकार है, मुझे बुला रही। बाइक बेकार बेकार नहीं है, फर्स्ट क्वालिटी बाइक रखी है मैंने अपने मैच में। अरे बाप रे, ये भैया तुम भी आ गए? हाँ बिल्कुल, हम तो म्यूजिक सुना रहे। बाप रे हालत खराब है, पटकी लग गई है बहुत, बचाओ रे हमको कोई। गाइस वो बंदा डायरेक्ट ही नीचे पहुंच गया बेचारा, बहुत बुरा मरा म्यूजिक सुनते सुनते, मेरा मतलब म्यूजिक सुनते सुनते। कोई बात नहीं है, अरे आग लग गई चारों तरफ, भगो यहाँ से। गाइस ये नंगू वंगू कौन आ गया? ई भाई ऐसे ना बोलो यार, गर्मी लग रही थी तो बनियान उतार दिए। गाइस ये बंदा तो नंगा पंगा ही उठ के आ गया यहाँ पर जीतने के लिए। अरे बिल्कुल, इज्जत और शान से जीत के दिखाएंगे हम लोगों को, ये देखो कैसे भाग रहे हैं। अरे बाप रे, क्या बात है फ्रैंकलिन, क्या लग रहा है ये बंदा जीतेगा? नहीं
नहीं जीतना तो नहीं चाहिए, लेकिन काफी ज्यादा सही तरह से खेल रहा है यार ये। यही तो बात है, देख कैसे जा रहा है वो। मैया तो भाई सही बात है, मैं देखो किसी चला रहे हम बाइक को, ये तो कहा रहे बाप रे, हमें गर्मी भी नहीं लग रही, सर्दी भी नहीं लग रही, बहुत बढ़िया तरीके से जा रहे हैं भाई। ये तो पूरे 4-5 राउंड ले गया नीचे। हाँ बिल्कुल, बस 2-3 राउंड और घूमने ऐसे, उसके बाद ये जीत सकता है। भैया जीत के दिखाएंगे, जब बाकी काफी आगे पहुंच गया, मैं पापा जी बचाइए, आए बच गए। अरे बढ़िया, अब बस थोड़ा सा आगे और निकल जाओगा। यहाँ पर देख फ्रैंकलिन कैसे आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है वो। बिल्कुल हमेशा ही बढ़ते जाएंगे और जीत के दिखाएंगे जी को, जे बाप जी बहुत बढ़िया चल रहे हैं, ना बताओ दे पापा, जे 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 लग गई जे कमरिया चल जाएगी, आई कपड़े पीन खाने चाहिए थे। गाइस ये बंदा भी पूरी तरह से गिर गया यहाँ पे, यहाँ पर भी लास्ट बंदा है, इसके बाद मेरा नंबर होगा। भैया हम जीत के दिखाएंगे, तुम्हारा नंबर नहीं आने के फ्रैंकलिन, हम ही जीत जाएंगे। अरे गाइस ये बंदा यहाँ पर अटक गया है और मुझसे बोल रहा है कि जीत के दिखाएगा। अरे बिल्कुल जीतेंगे, किसी बात कर रहे हो भाई तुम, अरे लग गई है, मम्मी बचाओ, आंखें फूट गई मेरी, हालत खराब हो गई। गाइस ये बंदा अभी भी हार नहीं मान रहा है, इसकी आंखों में भी बैंड बच चुकी है। ऐसी बात नहीं, अरे अरे बच गए रहे फिर से, चलो तो बाहर चलते हैं, फिर जीत के दिखाएंगे, अरे पापा बचाइए। गाइस ये बंदा तो काफी स्पीड में जा रहा है यहाँ पर। और स्पीड में जाएंगे तुमको हरा के दिखाएंगे, हालत खराब कर दी मेरी। अरे कितना बकवास रैंप है। अबे बकवास वाला रैंप नहीं है, यही तो टैलेंटेड लोगों की निशानी है। तुम इस रैंप से बाहर निकलो और तुम्हें कमाल का सूट मिलेगा, वो भी राउंड वन है अभी तो। फ्रैंकलिन ये देख बंदा कैसे आगे जा रहा है। अबे यार ये तो ज्यादा ही तेजी से आगे जा रहा है अब। बस एक दो राउंड और मानने जीत जाएंगे। अरे यार आगे बढ़ने दे, नीचे फेंक दिया हमको। ये विंडमिल बहुत ही कमाल की चीज है, कैसे बंदे को इरिटेट कर दिया। अरे हालत खराब हो गई, कितना बुरा लगा उस बंदे के, अभी भी हार नहीं मान रहा है वो। ये हमारी बाइक कहाँ भाग गई, अरे चीटिंग हो गई यार, ये तो हमारे साथ बिल्कुल है, हम तो खुद ही मर जाएंगे, हमें ना जीना। अबे वो फालतू में बंदा नीचे मरने की कोशिश कर रहा है लेकिन मर भी नहीं पाया। सही बोल रहा है गाइस, अब मेरा नंबर है, सबसे पहले हेलमेट लगाना चाहिए। एक मिनट हेलमेट लगाते हैं आराम से ये। बढ़िया गाइस अब जल्दी जल्दी चलते हैं। फ्रैंकलिन हेलमेट लगाया कुछ भी जीत तो पाएगा नहीं, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ घर। अबे चुप रहे, मेरा मैच देख, देख यहाँ पर मैं जीत के दिखाऊंगा। गाइस देखो मैं ना बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए कुछ भी करूंगा, मैंने अभी जस्ट 2 राउंड मारे, अभी देखो तीसरे पे जा रहा हूँ। अरे बाप रे बस पहुंचने वाला हूँ। यस गाइस ये आ गया तीसरा विंडमिल, मतलब 3 राउंड कंप्लीट, चौथा भी मैं कर सकता हूँ। कम ऑन कम ऑन, ये अरे फिर से अटक गया यार, चौथा राउंड भी होने जा रहा है ये। गाइस 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, अब गाइस पांचवा भी होने वाला है ये। यस अब फ्रैंकलिन ये तो तू काफी फास्ट जा रहा है यार। बिल्कुल गाइस देखिए 6ठा राउंड भी ले लिया मैंने, अब मैं मेज बैंक के नीचे पहुंचने वाला हूँ और ये 7वां भी कंप्लीट। अरे बचाओ मुझे, फ्रैंकलिन तो हारेगा नहीं, अभी मैं हार नहीं सकता। गाइस देखिए अभी मैं रैंप पर हूँ, हालांकि रैंप के उल्टे हिस्से पर हूँ लेकिन हूँ तो रैंप पर ही ना टोनी। ये बात तो सही है फ्रैंकलिन। गाइस बहुत ही सस्पेंसफुल मामला चल रहा है यहाँ पर। अरे नहीं यार, कम ऑन कम ऑन, ये बहुत ही बढ़िया गाइस, मैंने बहुत अच्छी तरह से लैंडिंग की, उस वजह से मैं सक्सेसफुली नीचे पहुंच गया। यस हमारा पहला राउंड पूरा हो चुका है। खैर गाइस कोई नहीं, फिलहाल तो मैंने राउंड 1 जीता है, अभी तो राउंड 2 भी जीतना है। राउंड 1 में मुझे मिलेगा एक आयरन मैन का सूट, सबसे पहले ऊपर जाता हूँ और जाकर आपको दिखाता हूँ मुझे कौन सा सूट मिला है। आ रहा हूँ स्टॉक बस, रुक जा भाई। अबे यार यहाँ पर फ्रैंकलिन तो जीत गया, जीतना नहीं चाहिए था, यही तो मेरी टैलेंटनेस की बात है। तो गाइस ये देखिए आयरन मैन का जो सॉर्ड वाला सूट है ये मुझे मिल चुका है, लेकिन अगर मुझे ग्रीन हल्कबस्टर का सूट चाहिए तो उसके लिए एक और राउंड खेलना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो तेरी औकात से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत खतरनाक रैंप होने वाला है अगला वाला। गाइस यहाँ पर तो इसने कुछ ज्यादा ही खतरनाक कंटेनर्स को बिछा दिया है पूरे रैंप के बीच में, विंडमिल्स को और इनविजिबल बॉम्ब्स को, और साथ साथ में गाइस एक जगह पे 5-5 विंडमिल भी सेट किए हैं, ऊपर से टाइम लिमिट भी दिया है, किसी भी बंदे को सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड के अंदर इस पूरे रैंप को पार करना होगा। भैया हमारे लिए तो 9 सेकंड ही बहुत है। अच्छा 9 सेकंड बहुत है, लगता है 9 सेकंड में हार जाएगा, ये कहना चाह रहा है। बकवास ना करो, टोनी स्टार्क जीत के दिखाएंगे। अबे ये तो बहुत टैलेंटेड लग रहा है मुझे। अरे गाइस देखिए कितना बेस्ट तरीके से जा रहा है बंदा, इससे मुझे कुछ सीखना चाहिए, जब ये आगे हार जाएगा तो इसकी गलती ना करके मैं जीतूंगा। इच्छो बड़ा फ्रैंकलिन, हम जीत के दिखाएंगे तुम आ जाओगे। अरे पापा अरे पीछे का गए हम, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी देखो कितना अच्छी तरह से चला रहे हैं। ये हमने कहा था ना 9 सेकंड, अबे ऑलरेडी 17 सेकंड हो गए हैं, 9 सेकंड तेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया ठीक से। हाँ तो 1 मिनट में तो जीत जाएंगे, कोई बात नहीं है। रुको यार मम्मी, यार नीचे गिर गए, हार गया, ओवर कॉन्फिडेंट वाले बंदों का यही होता है। अरे दोस्तों यार कोई नहीं, यहाँ पे पहला स्टूडेंट गया, उसकी बाइक भी फट गई। अरे मम्मी गाइस यहाँ पे अब दूसरा बंदा है। अरे मैं जीत कर दिखाएगा,
गाइस यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, इसके बाद एक और बंदा, उसके बाद मेरा ही नंबर। अरे किसी का नंबर नहीं आने देगा मैं, यार देखो कैसे भगा रहा है भाई, पापा से बचाइए मुझे। गाइस ये बंदा तो आने से पहले ही चला गया बेचारा, इतनी बुरी तरह से लगी है इसके। चलो दो स्टूडेंट तो टर्मिनेट हो चुके हैं, अब ये तीसरा बंदा बचा है, हम तो ऐसे जीत कर दिखा देंगे, देखो कैसे भगा रहा है भाई। गाइस इस बार टोनी स्टार्क ने एक चीज सही की है, सबको सेम बाइक दी है, तो इसलिए कोई अनफेयरनेस नहीं होगी। हाँ मजबूरी में देनी पड़ी और नहीं थी ना बाइक। अरे भैया तुम बाइक बाहर में लगा, देखो कैसे बचा। अबे ये तो शॉर्टकट लेके चला गया, फ्रैंकलिन लगता है तेरा सूट ये ले जाएगा ये। अरे नहीं यार ऐसे मत बोल स्टॉक, तू ना उल्टी सीधी बातें मत निकाल मुंह से, देख हारेगा। यस गाइस ये बंदा भी गिर गया। अरे चीटिंग होगा यार, पिंक हेलमेट पहन के भी फायदा ना हो पाया हमारा, आज दिमाग खराब फालतू, हम नहीं खेल ले बकवास गेम। गाइस अब मेरा नंबर है, ये वाली बाइक जल्दी लेता हूँ ये, चलो ठीक है अब निकलते हैं जल्दी से। फ्रैंकलिन तेरे पास सिर्फ एक मिनट है। अबे एक मिनट क्यों भाई, सबको तो डेढ़ मिनट दिए। मजाक कर रहा हूँ, डेढ़ मिनट ही है, लेकिन अब बस तेरे पास एक मिनट बची है। अरे गाइस आधा मिनट ऑलरेडी चला भी गया, पता भी नहीं चला मुझे तो। ठीक है कोई बात नहीं है, हमारे पास अभी भी 60 seconds है। कौन कह रहा है 60 है, ओनली 50, टाइमर देख ठीक से चल रहा है। अरे गाइस ये टाइमर भी नहीं दिया मुझे, मुझे गैस करके आगे बढ़ना होगा। फ्रैंकलिन बस 45 seconds, अरे बाप रे आगे निकलूं तभी जीतूंगा ना, जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा पूरी स्पीड में। यस गाइस जल्दी चलता हूँ ये फ्रैंकलिन बस 40। अरे यार इतनी तेजी से टाइम मत बढ़ा स्टॉक, पागल हो गया है तो। चलो गाइस जल्दी चलते हैं, फ्रैंकलिन बस आधा मिनट है। अबे क्या बोल रहे हैं आधा मिनट, ठीक है गाइस मैं आधा मिनट में कर सकता हूँ, आगे वाला मिनट में पा रहा हूँ। ये फ्रैंकलिन बस 10 seconds है। अबे 10 मिनट नहीं मतलब 10 seconds, यस ये फ्रैंकलिन 3, 2 और 1, अरे जीत गया मैं, एक बोलते ही जीत गया मैं। गाइस मुझे लग रहा है टोनी स्टॉक ना मुझे हराना चाह रहा था, देख रहे हो 1.5 मिनट इसने 1 मिनट में पूरी करा दी। खैर कोई नहीं, फिर भी मुझे हरा नहीं पाया, चलो जल्दी इसके पास चलते हैं। हाँ तो टोनी स्टॉक अब बता। अबे फ्रैंकलिन यार तू जीत कैसे गया, खैर कोई नहीं चल बढ़िया, तेरा सूट ये हुआ मान ले, आज तो तू जीत गया लेकिन फ्यूचर में जो सूट्स आएंगे उनको नहीं जीत पाएगा तू। ऐसी बात नहीं है, फिलहाल तो 2 सूट जीता हूँ, आगे तो गाइस 4 सूट भी जीतूंगा। तो टोनी स्टॉक मैं तो चैलेंज करता हूँ और सूट लेके आ, नेक्स्ट पार्ट में मैं जरूर आऊंगा। तो गाइस जल्दी कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी सूट आकर जीतूंगा। हाँ ठीक है, तो बाकी गाइस स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच, मैं ये सूट लेके जाता हूँ अपने घर।